बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। वेलकम टू माय चैनल यूथ एजुकेशन। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, लेक्चर नंबर 11। डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में मीनिंग होगी फेल माजी कामिल, जमान माजी कामिल। सबसे पहले हमको इस टेंस को समझना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस फेल माजी कामिल होता क्या है। फेल या जमान, इसका मतलब हुआ वक्त। माजी मतलब जो वक्त गुजर गया या बीत गया। अब कामिल, कामिल बीच मुकम्मल, ऐसा वक्त जो माजी में मुकम्मल हुआ हो, ऐसा वक्त जो माजी में बीते हुए वक्त में मुकम्मल हुआ हो, उस वक्त को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे या उस काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। दिस टेंस शोज टू एक्शंस। हाउ मेनी एक्शन? टू। वन एक्शन कंप्लीटेड Before another action began in the past time। दोस्तों ये जमाना में दो एग्जाम के काम दिखाता है। ये एक काम दिखाता है कि माजी में पूरा हुआ हो, ठीक है, और दूसरा काम शुरू हुआ हो। मतलब ये हुआ कि हमें ये जमाना में दो काम दिखाता है, एक के शुरू होने से पहले दूसरा कंप्लीट हो जाता है, दूसरा पूरा हो जाता है। मसलन कैसे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डियर फ्रेंड्स, ये हो गया, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब हम उर्दू में निशानियां पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में कौन सी निशानियां होंगी। चुका था, चुके थे, चुकी थी, जैसे कि मैं जीत चुका था, हम मैच जीत चुके थे, और वो लाहौर जा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, ये आखिर में जमान के एंड में ये निशानियां, ये सिंबल, ये साइन इस्तेमाल होंगी उर्दू में। ये फ्रेंड्स, अब हम आएंगे एच डी की तरफ, मीन्स हेल्पिंग वर्ड। इस टेंस का सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ड, वो है हेड, एच ए डी, ठीक है। अब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेड आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की तीसरी सूरत, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड फॉर्म, जैसे होता है ई एट डी टी टू, इटिन आएगा, तो मन गो वेट गान, गान आएगा, राइट रोड रिटन, इस समान में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये फॉर्मेशन सिंपल इस समान की। वी हैड वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके थे। दोस्तों ये हो गया तकरीबन, ये समान हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका हिसाब मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब, और इस समान में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये और ये हमने फॉर्मेशन बताई, सब्जेक्ट हेड वर्ब हेड, उसके बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पॉजिटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, और लास्ट में इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव पढ़ेंगे। आइए पॉजिटिव की तरफ। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। मतलब मैं जैसे ही वहां स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी, चली गई थी। अब नेगेटिव, नेगेटिव में आपको पता है ये डेड सीरीज है, हेड के बाद में नॉट लगाएंगे फिर नेगेटिव बन जाएगा। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल नहीं चुकी थी, ये हमारा नेगेटिव हुआ। अब आइए नेगेटिव हो गया, आप इंटरोगेटिव की तरफ आए। इंटरोगेटिव, इसमें हेड पहले आएगा। हेड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई
रीच क्या मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, ये हो गया सवाल ही क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर सारा सेम होगा। हेड द ट्रेन नॉट लैप बिफोर आई रीच, क्या मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं निकल चुकी थी। आई थिंक दीज आर वेरी इजी, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में फिर थर्ड पार्ट, ठीक है, फिर पास्ट सिंपल टेंस कर लूंगा। दोस्तों हमें दो चीजें याद रखनी चाहिए कि पहला जो शब्द आए वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, परफेक्ट। दूसरा जो क्लॉज होता है वो होगा पास्ट सिंपल टेंस का, बिफोर आई रीच, पास्ट सिंपल। कभी कभार हम पास्ट सिंपल टेंस पहले इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट बाद में इस्तेमाल करते हैं, पर तकरीबन ये जो तरीका है ये जनरल तरीका है, ठीक है, यही चलता है। तकरीबन द ट्रेन हैड लैंड बिफोर आई रीच, ओके, शी हैड कुक्ड मील बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले उसने रोटी पका ली थी या वो रोटी पका चुकी थी। ओके, आई डिड यू अंडरस्टूड माई लेक्चर प्रॉपरली, अदर सेंटेंसेस। अब हम कुछ जुमले हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 1-2 के लिए हम वो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, शी हैड आयरन्ड माय क्लॉथ्स बिफोर द नाइट फेल, रात होने से पहले वो मेरे कपड़े इस्त्री कर चुकी थी, मतलब रात हुई भी नहीं थी, रात होने से पहले उसने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए थे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें बिफोर आया, अब दे हैड लास्ट द मैच, आफ्टर आई वेंट, मेरे जाने के बाद वो मैच हार चुके थे, इसमें बिफोर हमने सवाल की हुई है और इसमें हमने आफ्टर, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, आफ्टर के बाद, आफ्टर का मतलब क्या हुआ बाद, ये हम इस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द थीफ हैड एस्केप्ड व्हेन द पुलिस रीच्ड, जैसे ही पुलिस पहुंची तो चोर भाग चुका था, इसमें हमने क्या सवाल किया व्हेन। ऐसे हम बहुत सारे जुमले जो हम ऐड कर सकते हैं लास्ट वाले क्लास में, पास्ट सिंपल टेंस में, या बिफोर इस्तेमाल किया, या आफ्टर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर बाद में, व्हेन मतलब जैसे ही, एज सून एज भी हम इस्तेमाल करते हैं, एज लॉन्ग एज हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 11 था, कल हम इंशाअल्लाह ताला हयाती रही, जिंदगी रही, जिंदगी रही तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज लाइक करेगा, लाइक भी कीजिएगा, उसके बाद में जो है सब्सक्राइब भी करना। खुदा हाफिज़।